हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। जो भी फिल्में आप करती है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी फिल्म बन जाती है, तो ये फिल्म चुनने की क्या वजह थी, थोड़ा सा हमारी जनता को बताओ। फिल्में बड़ी छोटी नहीं होती, कहाँ देख रही है सेंटर क्या? फिल्में बड़ी छोटी नहीं होती, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो भी वर्क करूँ पब्लिक पसंद करे उसे और बस हमेशा उनका प्यार दे। और आज अगर मैं उनकी फेवरेट बनी हूँ तो मेरे वर्क से बनी हूँ, फिल्में तो आती जाती रहती है। सो बट कॉन्सेप्ट होते हैं जो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। आर्मी के ऊपर भी है एक फिल्म जो कि बहुत ज़्यादातर बनती नहीं है, सब लव स्टोरी एक्शन ड्रामा यही होता है। सो आर्मी के ऊपर बन रहा है तो मुझे एक करने का एक वो भी था, क्रेज था कि मैं वो भी फिल्म करूँ। एंड बस अच्छा लग रहा है एंड इतना पब्लिक से प्यार मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। सर आप बताइए, राजन जी के साथ कितने मतलब एक्साइटेड है काम करने के लिए, और थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं हमारी। काजल जी के साथ मैंने जब भी काम किया है, ये मेरी तीसरी फिल्म है, तो एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट रहती है। और क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जब आदमी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, विचार मिलते हैं, तो काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो इनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जैसे ही बताया कि इस फिल्म में भी काजल हैं, तो स्पेशली मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपनी पहली मूवी स्टार्ट की थी तो उसमें ये हमारे अपोजिट थी। और इनका बिहेवियर, वर्क के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि वो पब्लिक बोलती है, हमारे ऑडियंस बोलते हैं, और स्पेशली हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे सर ने कहा कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री को लेकर मेहनत हो रही है फिल्म में? बस अभी मेहनत होगी, आज मुहूर्त हो चुका है, सो हम स्क्रिप्ट पे बैठेंगे एंड देखेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं, इसमें कुछ नया ला सकते हैं, तो सब तैयारियां होगी बैठ के। काजल जी, इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें भी आ रही है, तो आपको लगता है कि एक अच्छा लक्षण है भोजपुरी सिनेमा के लिए? नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज शायद 3 साल से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हुई है और हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं कि हम चेंज करते रहे और बस प्रयास कर रहे हैं और भगवान हमें आशीर्वाद दे और हम सफलता के और चले। और सारे हमारे गवर्नमेंट्स भी हैं जो बिहार के, सब लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्री को भी हम आगे बढ़ा सकें, जैसे मराठी है, हिंदी है, सारी चीज़ है, पंजाबी है, हर एक चीज़ चलती है आजकल, गुजराती भी बहुत अच्छा वो बन रहा है। तो हमारे बिहार के गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे। और जो फिल्में हमारी ड्रॉप हो रही थी लेकिन अभी कुछ क्रेज़ बढ़ चुका है, सो हम कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ दीजिए। जिसके बारे में वेट करने वाले लाखों का सुनने में आ रहा है, खबर आ रही है बिहार में जो बाहर आई है उसके लिए कुछ आप वेट करने वाले लाखों का? मैंने एक्चुअली ये बातें मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं कपड़े भिजवा रही हूँ, मैंने अभी तक कहीं भी नहीं बोला, तो आपने क्वेश्चन कर लिया, बताना पड़ेगा, बट मैं कपड़े भिजवा रही हूँ जो कि मैंने आज ही ऑर्डर प्लेस किया है, तो बस आपको पता चलेगा बहुत जल्द। काजल जी, इसके अलावा कहा जाता है कि मतलब पहले कहा जाता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 स्टार हैं, लेकिन अभी नए नए स्टार भी आ रहे हैं, जैसे सर है और भी बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टार्स बहुत सारे हैं, सारे ही स्टार्स हैं, हमारी जितने भी इंडस्ट्री हैं, बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, हमारी भोजीवुड है, हर एक चीज़, मैं हर इंसान को स्टार मानती हूँ, बिकॉज हर इंसान बहुत मेहनत करता है, वो भी उतने ही दिन शूट करता है गर्मी में लाइट्स के सामने, ऊपर से भी धूप आता है, सामने से भी लाइट्स जाती है, सारे स्टार्स हैं, बस किसी का लक होता है, कोई पब्लिक ज़्यादा लाइक करती है, हर एक चीज़ें हैं, बट सब लोग उतनी ही मेहनत करते हैं मेरी नज़र में सारे स्टार्स। सर आपसे भी सेम सवाल है, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? पहले कहा जाता था कि भोजपुरी में सिर्फ 3 स्टार हैं, अब जो है नए नए लोग आ रहे हैं। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ये कहना कि सिर्फ 3 स्टार हैं, 2 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, तो ये अनजस्टिस हो जाएगा उन लोगों के साथ जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। उस इंडस्ट्री को खड़ा करके उन लोगों ने सौंपा है किसी के हाथ में, तो आज हम लोग इस पर अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं।
रही बात ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि एक प्रोपेगेंडा है जो नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है और फिल्में आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अच्छी फिल्म होगी तो किसी की भी फिल्म चलेगी, वो चाहे जो हो, स्टार हो। एक नया लड़का आता है, मुझे लगता है कि आज चीज जो स्टार हैं वो भी कभी नए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया होगा। तो मुझे लगता है हर आदमी को अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए बस। जैसे बॉलीवुड में है सलमान, शाहरुख एंड आमिर, जो तीन स्टार वहाँ कैसे बोले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे महानायक जो है अमिताभ जी है, तो उनसे बड़ा तो कोई स्टार है नहीं और कोई मानते भी नहीं, वो लोग भी खुद मानते हैं। बट स्टार एक होता है कि हम पब्लिक के सामने कैसे हम वो करते हैं उनको, पर उससे है अपना वर्क एंड ऑल सारी चीज़ें हम, तो फिर वही है हमारा वर्क से हम स्टार बनते हैं और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली बनेंगे। अच्छा, जैसे आपने नाम मेंशन किया बच्चन साहब का और शाहरुख खान जी का, तो जैसे भोजपुरी में काजल और खेसारी है, वैसे मतलब बॉलीवुड में शाहरुख और काजल की जोड़ी को कहा जाता है, मतलब ऐसा कंपेयर किया जा रहा है बॉलीवुड में? हमारा बॉन्डिंग अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है, पब्लिक पसंद करती है, हम करते हैं तो लाइव दिखता है, तो हमारी स्टोरीज अलग अलग बेस पे होती हैं। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि पब्लिक बोर ना हो किसी चीज़ों से, सेम स्टोरीज हो, सेम एक्टिंग हो, हर एक चीज़ सेम हम नहीं करते हैं। कभी हम माँ बाप भी बन जाते हैं, कभी हम लवर्स भी बन जाते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ का भी कैरेक्टर करते हैं। सो हम कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं, कभी वो हिंदू बनते, कभी मैं मुसलमान बनती, कभी वो मुसलमान बनते, कभी मैं हिंदू बनती हूँ। सो एक केमिस्ट्री है और पब्लिक वो पसंद करती है। सो थैंक यू सो मच, मैं तो पब्लिक को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमारे पैर को पसंद किया और इतना प्यार दे रहे हैं। पानी मेरी जान है एंड मैं एनिमल लवर हूँ बहुत बड़ी, और मैं कहीं भी शूट पे जाती हूँ तो मैं उसको लेके जाती हूँ। सिर्फ आउटडोर नहीं लेके जा सकती, यूपी बिहार नहीं लेके जा सकती, बट गुजरात तक मैं उसे लेके जाती हूँ, बिकॉज विदाउट उसके मैं रह नहीं पाती। तो मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरे साथ चलती है और मेरी मम्मी भी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.